सारी महंगाई का केवल फैशन पे है। आज से भी हाथ डाल लिया, रंगबाजी करत आदमी चलता है, अनाप शनाप जो 5 रुपये का सामान 50, आप ही 5 का सामान 100 में खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे? नहीं, कम हुआ और बढ़ गया है। जितनी गाय गोरू थी सब जो है छोड़ दिए हैं, पूरा खेत वेत खा जा रहा है, है? सपा की गवर्नमेंट सब लोग खुशहाल थे, आज बताइए कोई खुशहाली है? 100 रुपये का तेल 200 रुपये हो गया है, 35 रुपये एक दाल 70 रुपये हो गई है, किस चीज़ की खुशहाली है, क्या दे रहे हैं? लेकिन सपा सरकार आएगी कैसे? अब वैसी भी आ रहे हैं, ओवैसी को एक वोट नहीं मिलेगा मुसलमान का। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस समय हमारी चुनावी रेलगाड़ी सुल्तानपुर जिले के सदर विधानसभा यानी जयसिंहपुर आकर पहुंची है। हम यहां पर जानेंगे चुनावी माहौल क्या है, यहां पर वर्तमान विधायक ने कितना काम किया है और यहां पर सरकार से कितने लोग खुश हैं जो विकास हुआ है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम हीरा लाल पाल। आप बताइए यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है? यहाँ पे अभी भाजपाइयों का ज़्यादा ही जलवा है। विकास कैसा हुआ कामकाज? विकास तो विधायक कुछ नान के हैं, बाकी मोदी और योगी जी का देन है। अच्छा, एक बात हमें बताइए, जब विधायक ने कुछ काम नहीं किया तो आप किसके चेहरे पर वोट देंगे? मोदी और योगी के। क्या क्या कुछ किया है मोदी योगी? अरे यही सब लफंगई गुंडई ये सब खत्म कर दिया है। खत्म हो गया? हाँ। लेकिन जो न्यूज़ पेपरों में आप देखते होंगे छपता होगा, कहीं रेप हो गया, कहीं हत्या हो गया, उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये तो 100% था, ये 10% पे आ गया है। अच्छा, हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या है चुनावी माहौल? भाजपा है बस और कुछ ना। यहाँ लगता है सब भाजपा के ही हैं क्या? और क्या, योगी मोदी बहरा घर घर मोदी बस। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है। मिले जब काम करिए तो रोजगार मिले, जो घरे सोबे तो कहाँ रोजगार मिले, कर्म करबे तभी मिले, जो कर्म करता है उनका रोजगार मिलता है। लेकिन अभी आप देख रहे थे जो टेट का परीक्षा वो भी रद्द हो गया, पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक हुआ, चोर लोग लीक कर दिए, फिर से वही परीक्षा 1 महीना बाद। लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, सरकार इसीलिए तो विफल और सफल होती है। कहाँ कहाँ खड़ी रहे सरकार, नौकर लगाए आज जहाँ नए काम किए, चोरी के देन हुए पैसा कमाई चक्कर में, तो सरकार काम तो रहा, सरकार फिर परीक्षा करा दी। वैसी आ रहे हैं इस बार, क्या कहेंगे? वैसी का तो कुछ नहीं चले, हवा है थोड़ी जी। सपा का? सपा वपा सब फेला है। बीएसपी का क्या हाल? बीएसपी 4 शर्ट पाई है बस इतने। क्या नाम है अंकल जी? धीरे पाल। आप बताइए क्या करते हैं? सिर्फ हम चाय दुकान किए हैं, सिर्फ मोदी वोट देंगे बस भाजपा। अच्छा, हाँ। जैसे मोदी जी चाय बेचते हैं, कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हो गए, क्या आपके मन में कुछ सपना है कि आप भी प्रधानमंत्री करें? हम वही कर्म करेंगे, हम भी कुछ बनेंगे। आप भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अरे प्रधानमंत्री ने भाई उसे नीचे कुछ बना जाए? अरे नहीं, सोचिए एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, किस्मत में लिखा हो प्रधानमंत्री बन जाओ जाए। ये तो जनता वोट देगी तो आप भी चुने जा सकते हैं। तो हम तो सिर्फ भाजपा जाने इस बार और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप बताइए महंगाई का कुछ है? महंगाई सस्ताई अपने ऊपर है, ठीक है, जब कर्म करवे महंगाई सस्ताई सब दूर होगी। अरे लेकिन आप बताइए, 100 का पार आपका पेट्रोल हो गया तो आम जनता कैसे काम करे? जेका चले कोई खरीदे, बाकी हमारी सरकार कौन गलती ना है, कुछ ना कोनो गलती है, कोनो गलती ना। अगर गाड़ी फिर हम तो किसी को भी सरकार बना सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं, सरकार की गलती नहीं है। बाकी आपस आपस चोर सरकार ही है, जिसकी गलती रहेगी खत्म हो जाएगा। अखिलेश गलती की खत्म हो गई, मायावती गलती की खत्म हो गई, योगी कुछ गलती कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सब सही हो रहा है। बहुत सही करता है योगी मोदी, सही का सब सही काम सब सही करता है। भैया हम कोनो पार्टी से है ना, हम आम आदमी है, हमसे कोनो मतलब ना है, राजनीति से हमसे कोनो रहते हैं। आप बताइए किसको वोट करेंगे? बोल नहीं सकते भाई साहब, बहुत तकलीफ है इस गवर्नमेंट में, बहुत तकलीफ है, औकात से ज़्यादा तकलीफ है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हो गया है, ट्रक वालों की हालत ख़राब हो गई है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, अब योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हमारी सरकार में कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है आप बताइए? कुछ नहीं, कम हुआ और बढ़ गया है। जितनी गाय गोरू थी सब जो है छोड़ दिए हैं, पूरा खेत वेत खा जा रहा है, हैं? सपा की गवर्नमेंट सब लोग खुशहाल थे, आज बताइए कोई खुशहाली है? 100 रुपये का तेल 200 रुपये हो गया है, 35 रुपये एक दाल 70 रुपये हो गई है, किस चीज़ की खुशहाली है, क्या दे रहे हैं? लेकिन सपा सरकार आएगी कैसे? अब वैसी भी आ रहे हैं, ओवैसी को एक वोट नहीं मिलेगा मुसलमान, वोट नहीं पाएंगे।
लेकिन हम कई बस्तियों में गए जहां मुस्लिमों का कहना था कि वो ओवैसी को भी वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, सपा को, तो ऐसे में तो वोट बट टोटल 100% मुसलमान का वोट सपा को जाएगा। बहुत दिक्कत है भाजपा से, बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है कि ये तो चलिए होटल पे समोसा बेच रहे हैं, इनका क्या है तो 10 का बेचे 20 का बेचे। जिनके पास ट्रक है, है मोटरसाइकिल है, कार है, इनके पास क्या है? कोई कार रखे हैं, ट्रक है इनके पास, हमारे पास ट्रक है। कहाँ निकल रहे हैं? चलिए मेरे साथ अभी यही नंद हीरो के यहाँ दिखाएंगे, शुभम कादीपुर दिखाएंगे, सबके यहाँ दिखाएंगे। मोटरसाइकिल धनतेरस की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, हम लोगों का सीट कवर बैग का काम है, सीट कवर बैग का काम है हम लोगों का। जो सामान हमारे लोगों का 10,000 रुपये कुंटल था, आज वो 15,000 रुपये हो गया, सामान भी नहीं मिल रहा है। लेबर को तनख्वाह देना हम तक यहाँ तक कर दिए हैं कि संडे को छुट्टी जो देते थे वो छुट्टी खत्म कर दी हम लोग, लेबर की ये दिक्कत हो गई है। चलिए नंद हीरो के यहाँ दिखाते हैं, शुभम हीरो के यहाँ दिखाते हैं, दिवाली गाड़ियाँ अभी पड़ी हैं 10,000-5,000 रुपये के लिए। दीक्षा उच्छा को सबको एक एक शोरूम को फ़ोन कर रहे हैं, 1 रुपये तगादा नहीं मिल रहा यार, भुखमरी आ गई है। ये लोग क्या जाने, तो तेल लाए, समोसा लाए, आटा लाए, बना लिए, कमाता है तो हमारा कौन फायदा है बतावा, तो हमारा कौन सरकार गलती है भाई साहब? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई, हम लोग ये समझ लीजिए कितनी दिक्कत है कि बता नहीं सकते। हम लोग ना ओवैसी कोर्ट करेंगे, खाली सपा कोर्ट करेंगे और महीने भर उसके पीछे लग जाएंगे हम लोग। लेकिन क्या सपा के पास कोई जादुई छड़ी है क्या? वो ठीक है, जादुई छड़ी है। अभी देखिए हर जगह चुनाव हो रहा है, 35-40 नहीं, अभी जाके देखिए, हम लोग मोबाइल में देख रहे थे, गोवा हुआ में बड़ी बुरी हाल है, ये हारेंगे हर जगह, अकेले लड़तिया है 40 भाई साहब। इलेक्शन बाद सब पता चल जाएगा, एक भी ओवैसी वोट नहीं पाएंगे टोटल सपा। अखिलेश 370+ ट्रक वाले, हमारे पास ट्रक है, ट्रक वालों की इतनी दिक्कत है कि वैसे सुनिए, वैसे नहीं बोल रहे हैं, कबरई में ओवरलोड जो है एक लाख, अच्छा ओवरलोड जब 100 रुपया डीजल हो जाए पेंशन ना बताता है, 100 रुपया पेलता है। आप बताइए, आप सब भाजपा ही हैं, महंगाई को लेकर घेर रहे, रोजगार को लेकर घेर रहे, तो आप बताइए महंगाई को लेकर कैसे जनता को खुश करेंगे? महंगाई को लेकर, महंगाई भैया कोई कम नहीं कर सकता है, महंगाई जिस दिन के दिन बढ़ती जाएगी, जैसे फैसिलिटी बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। जो लेबर 300 रुपये पा रहा था, सुनिए चाचा सुनिए मेरी बात, पेट्रोल की छोड़ दो, जो लेबर 300 रुपये लेबर पा रहा था आज वही 100-200 के तेल खरीद रहा है, आटा खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है, महंगा है साहब। लेबर 100 रुपये तेल खरीद रहा है, अब जो लेबर मोटरसाइकिल से चलते हुआ 100 रुपये तेल डरबे करे कहाँ देगा? बिल्कुल दे रहे हैं, अभी क्यों नहीं, 300 वाले को आज 1,000 देना पड़ रहा है, देख भैया का सही कहते हैं भैया गलत कहते हैं। तेल वाले से पूछ लीजिए, तेल वाले आपको क्या समझ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप सब सरकार से, हम सब भाजपा को वोट देवे जो ना तेल वाले, हाँ भैया बीजेपी। आप बताइए किसकी सरकार बना रहे? बीजेपी मोदी योगी। लोग महंगाई को लेकर रोजगार को लेकर घेर रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, सब ठीक है। अब तो ऐसे भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, सारी महंगाई का केवल फैशन पे है, आज से भी हाथ डाल लिया, रंगबाजी करत आदमी चलता है, अनाप शनाप जो 5 रुपये का सामान 50, आप ही 5 का सामान 100 में खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? खरीदो, महंगाई खत्म देंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। अरे बहुत से पड़े हैं, 100-150 का भी मिलता है, 1,500 का भी मिलता है, जो आप 1,500 खरीदोगे हम उसको 150 में नहीं काम चला लेंगे। अगर जिसको महंगा वाला पहनना हो, अच्छा वाला पहनना हो, आज के 25 साल पहले केहो शरीर पे एक बनिया ही राहत रही, अरे ट्रक मोटर अभी ये करना कहा, हाँ तो आज ये ट्रक मालिक हो ड्राइवर के पैसे ना दे पावत हो बगैर दिए। देखिए जब बड़ा आदमी भैया कमाएगा, बड़ा होगा तभी जो है सब खुशहाल होंगे, ये तो लेबर टाइप के आदमी है जिस तरीके की बात कर रहे हैं। बताइए यहाँ पे चुनावी माहौल किस तरह से? चुनावी माहौल वही है, बीजेपी का है। बीजेपी काम काज कैसा हुआ है? काम काज अब ठीक है, पहले का अपेक्षा बहुत काम हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है महंगाई ज्यादा बढ़ गई, इस पर क्या लोग कह रहे हैं? आप बताइए आप क्या कहना है?
महंगाई महंगाई कुछ ना बढ़िया है, सब पियरा सरसों तिल्ली ढोवा तहाँ पेट्रोल दाद दाद गाड़ी भरा है भरा, कहाँ महंगाई का हुआ। लेकिन जो गरीब है उसका क्या कहेंगे? गरीब पर मोटरसाइकिल ही ना जे गरीब हमारी ना है उनके सारे क्या कहेंगे? हाँ भाई, क्या भैया? भैया भाजपा का, यहाँ भाजपा ही है क्या पूरा वर्ग? जी जी जी, बताइए काम काज कैसा हुआ? सब ठीक ठाक है भैया, हम संतुष्ट हैं। 5 साल में योगी और मोदी का गुण गाएंगे, अब फिर अगली बार चुनाव का उनका फिर गुण ही गाता रहूंगा। लेकिन इस बार सपा और वैसी सब मिलकर, सपा बसपा सब चला गए मिट्टी में, तेल ले चला जाइए। वो तो महंगाई पर रोजगार पे घेर रहे सब कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो खाली एक दिखावा है। कुछ रोजगार मिला है आपको? अरे रोजगार सब कुछ हो रहा है, विकास हो रहा है जयसिंहपुर विधानसभा का, और क्या चाहिए? कोई काम बताइए जिससे हम जनता को सीधे बता सके कि इस विधानसभा बनवा दिए, हर जगह रोड का निर्माण करवा दिए हैं, हर जगह हर चीज करवा रहे हैं। है अखिलेश सरकार ने, अखिलेश सरकार ने क्या किया? जो किया था उसको रोक के बंद किया था। अच्छा, और कुछ लोगों से हम बातचीत करना, क्या नाम भैया? मोहम्मद आजाद। आप बताइए चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल जो भी है, वोट किसी को नहीं देना, हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशान हम नहीं है, हम क्यों परेशान रहेंगे? आप क्यों नहीं देना चाहते वोट, कोई एक कारण बताइए। कुछ नहीं है, इस सरकार में मॉब लिंचिंग ज्यादा हो रही है, महंगाई ज्यादा है। सरसों का तेल आपको मालूम कितना है? 225 रुपये लीटर है, गरीब जनता कैसे खाएगी? आप महंगाई को लेकर नाराज हैं? हाँ महंगाई, पेट्रोल आप देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, कहाँ जा रहा है? रोजगार मिल रहा है? रोजगार कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो आप कह रहे किसी को नहीं, कोई एक ऐसी सरकार तो लाना पड़ेगा। मैं साल में 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था, दिया नहीं दिया ना? लेकिन जो सरकार तो लाना पड़ेगा ना किसी को, तो आप सरकार देखो भाई, जो भी आएगा आना तो पड़ेगा ही, चाहे जो भी आएगा, चाहे भाजपा आएगी, चाहे सपा आएगी, बसपा आएगी, दो ही में आएगी, या सपा आएगी या तो बसपा आएगी। भाजपा बहुत मुश्किल है अभी यूपी में। क्या अंकल जी कह रहे हैं? भाजपा तो बहुत मुश्किल है जब उनका भाई कई दिन भाव उनका देखा, श्रीपद मिश्रा से आज तक शुरू के उनका अंदरूनी अपन जला नहीं है। क्या कह रहे हैं? अभी बच्चे हैं उनको क्या मालूम है। चलिए और कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है अंकल जी? सुधाकर वर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य। आप बताइए क्या माहौल है? अरे माहौल क्या है, सब महंगाई मार डाल रही है किसान के, किसी के पास पैसा नहीं, केवल कपड़ा पहन के घूम रहा है बस। योगी जी कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे योगी जी तो बहुत चीज कहते हैं, इनके कर्मचारी सही काम भी नहीं करते हैं, सही काम करें, केवल दलाली है सब जगह। आप योगी सरकार से खुश नहीं है? नहीं खुश है। इस बार किसकी सरकार लाएंगे आप? हम तो भाई लाएंगे बसपा सरकार लाएंगे। बसपा सरकार लाएंगे, पर दिख तो नहीं रहा जमीन जमीन पे। अरे दिख नहीं रहा, गांव में वोट है कि यहाँ रोड पे है। और कुछ लोगों से बातचीत, क्या नाम है अंकल जी? नाम तो प्रकाश सिंह भैया। आप बताइए आप चुनावी माहौल यहाँ पे क्या है? चुनावी माहौल में बीजेपी आ गया है, बीजेपी लोग महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, किसान कह रहे हैं कमर की तुम साण आ जाते, क्या किस तरह से विपक्षी पार्टियां घेर रही है? साण तो कम हो गया यार, कम हो गए, लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साण बहुत ज्यादा हमारे खेत में आ रहे हैं, किसान बहुत ज्यादा परेशान, विपक्षी पार्टियां घेर रही है। तो चाहे जो कहा, लेकिन हमारे गाँव में साण नहीं है, साण नहीं है, ना है। रोजगार और महंगाई को मुद्दे के लोग, हमारे यहाँ मनरेगा चल रहा है, मनरेगा के रोजगार उपलब्ध है, सिर्फ जैसे जो पढ़े लिखे हैं युवा रोजगार मांग कहते हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी उसके हिसाब से रोजगार दिया जाए, तो सब तो मनरेगा में नहीं काम कर सकते ना? जो मनरेगा में नहीं काम कर सकते हैं वो बाहर काम करने चले गए हैं, जो कारीगर हैं वो बाहर काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए और कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या है, क्या नाम है अंकल जी? चंद्रभान पाल। आप बताइए चुनावी माहौल क्या है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र में भाजपा है। विकास कितना हुआ है? विकास बहुत हुआ है। वर्तमान जैसे कि ये होता है कि कभी लोग कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं, कभी योगी और मोदी का चेहरा देखकर लोग वोट करते हैं, तो आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, काम किए हैं, काम के ऊपर वोट मिलेगा। विधायक जी ने आपके क्षेत्र में काम किया है? विधायक से मतलब नहीं, विधायक किया हो या न हो, लेकिन सरकार किया है काम। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ है। क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद आजाद। अच्छा अच्छा, आपसे बात हुई थी क्या? हाँ हमसे बात हुई थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अंकल जी? हरिशंकर। आप बताइए चुनावी माहौल क्या है इस बार का? चुनावी माहौल हमारे यहाँ का भाजपा है।
लेकिन लोग रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर बार बार घेर रहे हैं सरकार को, सरकार को गिराने की कोशिश कर क्या कहेंगे? सरकार का सबका किया है काम करे तो जब करंट बंधा उस करता हूँ, अच्छी सरकार है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारे खेतों में सांड आ जाते हैं, इन सब मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं, क्या कहेंगे? सांड योगी मोदी कहें, किसान कहें, कहें ना वो कहीं रखते कहे को खुशोड़ दे थे। सांड योगी मोदी का नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना उसको व्यवस्था करवाने की। तो व्यवस्था कहे गौत वाला के खोले यहाँ पहुँचावा, पहुँचाते ही नानत का करे पहुँचाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थन में वोट करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग का कहना है कि हम सपा पार्टी को वोट करेंगे, सपा की सरकार लाएंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, सुल्तानपुर।